डिस्ट्रिक्ट और कम्युनिज्म कॉम्बैट की खास मुलाकात में हमारे साथ हैं राजीव यादव जी, जो रिहाई मंच से जुड़े हुए हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो उत्तर प्रदेश में 2007-08 में बना। मासूम लोग, बेगुनाह लोग जो आतंकवाद के केसेस में ठहराए जाते थे, पकड़े जाते थे, उनको लेकर फैक्ट फाइंडिंग करना, मुलाकात लेना, इन्वेस्टिगेशन करना, आंदोलन करना, ये सब चीज़ें रिहाई मंच ने की है और रिहाई मंच कोर्ट में भी गया है। राजीव यादव जी, बहुत शुक्रिया मुलाकात के लिए। आपके काम से तो हम वाकिफ हैं, हम जानते हैं, मगर हाल में जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल है, उसमें जो आखिरी अभी 2-3 हफ्ते पहले जब आखिरी वोट पड़ रहे थे बनारस क्षेत्र, बाकी पूर्वांचल के क्षेत्र में 8 मार्च को, तो एक ऐसे वाक्या हुआ लखनऊ में उज्जैन ब्लास्ट को लेकर, उसके बारे में आप ज़रा बताएं। देखिए, क्या था कि पूरा इस चुनाव को अगर आप देखें, इस चुनाव में समय समय पर टेरर पॉलिटिक्स के जरिए पोलराइजेशन कराने की ज़रूरत भाजपा ने महसूस किया और इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको बखूबी निभाया। जैसे संभल में शुरुआत में आया नाम की एक उस्मान के लड़के को खोज रही है, इसके बाद IS की किल लिस्ट, इसके बाद 27 तारीख की जो मोदी की रैली मऊ में होने वाली थी, उस समय ठीक कहना कि उसमें धमाका होना करने की कोशिश लोग कर रहे हैं, तो ये पूरा प्रोसेस था। और लास्ट फेज में जब ये, चूँकि भाजपा किसी भी कीमत पे देखना चाहती थी और कि ये इलेक्शन जीतना चाहती थी, और लास्ट 3 दिन जब मोदी जी पूरा बनारस में मार्च कर रहे थे जगह जगह पर, उसके बाद ठीक 7 तारीख को जिस तरीके से लखनऊ में एक घटना होती है, सैफुल्ला नाम के एक व्यक्ति को कहा जाता है कि ISIS का वो आतंकवादी था और उसको जो है इनकाउंटर किया जाता है। जबकि अगर दोनों घटनाओं में देखा जाए, उज्जैन की घटना पहले इसमें आता है शॉर्ट सर्किट, और बाद में आता है कि उसके नाम पर सैफुल्ला को मारा गया। अब मैं सैफुल्ला जहाँ के लखनऊ का रहने वाला, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा ज़रूर कि सैफुल्ला जिस मकान में हाजी कॉलोनी में बताया जा रहा है, पहले तो मीडिया ने कहा गया कि सऊदी अरब के बादशाह का वो घर था, जबकि वो घर जो है एक बादशाह नाम के आदमी का है जो सऊदी अरब में रहता है। एक सवाल इस बात का था जो मीडिया ट्रायल किया गया। दूसरा कि सैफुल्ला को जब इनकाउंटर किया गया तो लगातार मीडिया ट्रायल किया गया कि 3 लोग हैं, 1 लोग को मार दिया गया है, और ये लगभग 4 बजे से खबरें आने लगी थी, 1 लोग को मार दिया गया और 2 लोग को और मारने के फिराक में लगी है, लगातार दोनों ओर से गोलीबारी चल रही है। और उसके बाद ठीक रात में 3:30 बजे खबर दी जाती है कि सैफुल्ला नाम के एक आदमी को मारा गया और कोई उसमें नहीं था। इसके बाद दूसरे दिन व्हाट्सएप के जरिए एक पूरा जारी किया जाता है कि कुछ पिस्टल्स, कुछ तमाम चीज़ें और एक ISIS का झंडा लाया जाता है, और शाम तक वहां पर और कहा जाता है कि ISIS से जुड़े लोग, आतंकवादी ये लोग थे। और शाम को और उस दिन भर में मीडिया में खबर चलाई जाती है कि 3 खबरें रहती हैं, एक दिन सोमनाथ पे मोदी जी पूजा अर्चना कर रहे हैं, दूसरा कि चुनाव चल रहा है, तीसरा कि वो ISIS का आतंकवादी है। और 5 बजे जैसे ही चुनाव खत्म होता है, दलजी चौधरी बोलते हैं कि ये ISIS से कोई लिंक नहीं। अब सवाल इस बात का है कि इसको लेकर, जिस बात की घटना को लेकर सच्चाई क्या है, इसको लेकर हमारे प्रेसिडेंट मोहम्मद शोएब साहब सुबह 8 तारीख की सुबह जब वहाँ पर पहुँचे तो मोहल्ले वालों ने वहाँ पर बताया कि जब 2 बजे के तकरीबन ये वहाँ पर पुलिस जब लगभग पहुँच गई थी, और इसके बाद वहाँ के लोगों ने बताया कि 3-3:30 बजे के तकरीबन जो है एक चीख की आवाज़ आई गोलियों के साथ, और लोगों का मानना है कि वो उसी समय सैफुल्ला को वहाँ पर मार दिया गया था। ठीक इसके बाद 5:30 बाद पुलिस वहाँ पर पूरा मीडिया हुई वैन तमाम चीज लग गई हैं, और इनकाउंटर एकदम जो जगह पर जिस कहा जा रहा है कि इनकाउंटर हो रहा है उसके 5 कदम तक जनता खड़ी है, वो कमांडो के आगे जनता खड़ी है और मीडिया पूरी खड़ी है। इसके बाद 5:30 बजे के करीबन मिर्ची बम फोड़ा जाता है जनता को हटाने के लिए। अब कहा जाता है कि मीडिया के जरिए कि वो सैफुल्ला आतंकवादी को जो है वो सरेंडर करवाने के लिए हटाया जा रहा है, जबकि जनता कह रही थी हम इसको सरेंडर करवा देंगे, जबकि वो जनता का भी कहना था कि वो मार दी गए। ठीक इसके बाद 10:30 बजे रात में मंजिल सैनी SP आती हैं और काफ़ी परेशान हालत में रहती हैं, वो कहती हैं, बाहर आती हैं, मीडिया से बात करती हैं, कुछ बोल नहीं पाती, तब तक अंदर से गोली चलने की आवाज़ आती है। लोग पूछते हैं कि आखिर में क्या हुआ, कहा कि मूवमेंट चल रहा है, तो मीडिया पूछती है कि मूवमेंट क्या है, आखिर में लगातार ये चल रहा है, इतना पास पास से कमांडो घूम रहे हैं, सुरती ठोक रहे हैं, ये क्या कोई चल रहा है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने इस तरह से देखा, एक तो ये पूरा वहाँ पर घटना को जो लोगों ने बताया ये तो ये है।
दूसरा कि जो जिस तरह से कहा गया कि वो अंदर से गोली चला रहा था और पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाया, वो एक चार के तकरीबन कमरों का फ्लैट है वो, इसके अंदर हम लोग को जाने नहीं दिया गया, लेकिन एक अंदाज़ा उसका लगाया गया और लोगों ने भी बताया कि उसके ऊपर जाली रखी है, लेकिन ड्रिल किया गया मकान को जानबूझ कर कि ड्रिल करके एक बड़े आतंकवादी को जो है निकाला जा रहा है उसमें से जो है। इसके बाद कहा जाता है कि ये गोलियों के बाहर किसी दीवार पे कोई निशान नहीं है। अंदर जाते हैं, अंदर ड्रिल किया गया और ठीक एक लाइन में दो छेद दीवार में किए गए हैं ऊपर और नीचे। अगर दो छेद ऊपर और नीचे कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए और गोली मारने के लिए, अगर कोई भी जानकार जानेगा सुरक्षा विषयों का कि कभी भी इस तरह से छेद नहीं किए जाते हैं, तो पूरा जो इनकाउंटर था वो अपने आप में इस तरह से सवालिया घेरे में आता है कि उस इनकाउंटर को एक लड़के को पकड़ के मार दिया गया। दूसरा पक्ष आता है कि जो उससे ज़्यादा मीडिया ने खेला और जो गवर्नमेंट ने खेला और दूसरे दिन राजनाथ जी ने बोला कि सदन में बोला कि सरताज पे उन्हें गर्व है। हम लोगों ने कहा कि वो आदमी जिसका साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ पैरवी करने की बात करते हैं, उनके फोटोग्राफ्स हैं, आज वो गोडसे के बारिश तो सरताज पे उनके पिता पर नहीं गर्व कर सकते हैं। खैर, जो सवाल मेन इस बात का है कि उसको फिर मीडिया ने चलाया कि राजनाथ सिंह ने बोला और बात किया और कहा कि सरताज पे उन्हें गर्व है। मैं जब उनसे पहुंचा और इस बात को मीडिया में आया कि वो कह रहे हैं कि उनका बेटा आतंकवादी है, उनके दूसरे बेटे की खालिद की 1.5 घंटे तक बात हुई, मैं जब इसकी तफ्तीश के लिए उनके घर पहुंचा तो मैंने सरताज साहब से पूछा कि चचा ये बताइए कि कैसे आपको मालूम चला कि आपका बेटा आतंकवादी है। वो सोचे उस बाद उन्होंने कहा कि मीडिया के द्वारा मालूम चला। फिर उन्होंने कहा कि कैसे, हमने कहा कि और किसी ने आपको बताया, उन्होंने कहा प्रशासन ने बताया। मैंने कहा कि आप जाँच चाहते हैं, उन्होंने कहा जाँच चाहते हैं। हमने कहा एक लेटर लिखाना चाहेंगे आप, उन्होंने कहा लेटर लिखेंगे लेकिन मैं बहुत फेस नहीं कर पाऊंगा मीडिया को, क्योंकि मीडिया मुझे फिर से परेशान कर देगी क्यों ऐसा किया। दूसरा जो सीक्वेंस था कि एक बड़ा मामला था कि 1.5 घंटे तक सरताज साहब के बेटे खालिद से, उनके भाई सैफुल्ला से, जो कि बताया जा आतंकवादी आई एस का, उससे बात हुई। जब मैंने इस बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि 5:30 बजे का एक फ़ोन आया था और उसमें उन्होंने कहा कि SP हूँ बोल रहा हूँ और आपका भाई अपने कमरे में बंद कर लिया, वो कह रहा है कि मैं सरेंडर नहीं करूँगा, शहादत देना चाहता है, आप बात कर लीजिए। उन्होंने हैंड फ्री किया और उन्होंने बेचारे ने बदहवासी में बोले कि बाबू तुम सरेंडर कर दो। और मैंने पूछा कि उधर से कोई आवाज़ आई, उन्होंने कहा कोई आवाज़ नहीं आई, हो सकता मर भी गया हो। हाँ, उस समय जबकि मार जा चुका था। वो ये दिखाने के लिए कि फेक इनकाउंटर नहीं, इनकाउंटर की जो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ये बताया कि अभी तो उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ की सरकार है, आदित्यनाथ की सरकार एक तरह से ऑलरेडी एक तरह का आतंक लोगों के खिलाफ शुरू हो गया है, गोश्त की दुकानें के ऊपर हमले हो चुके हैं, लव जिहाद के नाम पे रिश्तों के ऊपर भी एक तरह की निगरानी रखी जा रही, आपके काम के ऊपर असर होगा क्या? देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है लगातार, जो खास तौर पे योगी आदित्यनाथ की जो पूरी गतिविधियाँ हैं तो वो राष्ट्र विरोधी हैं, इसको तो मायावती जी भी मानती थी, मेरे बहुजन हितों का सफरनामा में लिखी, अखिलेश यादव भी मानते थे, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। हम लोग उस समय भी लगातार कोर्ट से लेकर मूवमेंट से लेकर लगातार इनके ऊपर फाइट करते रहे और लगातार इनके ऊपर सवाल उठाए। योगी आदित्यनाथ ने कई अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बोला कि ये नक्सली हैं, इस्लामिक फंडेड हैं, कभी इंडिया TV और DD न्यूज़ पे भी बोला। तो हमें लगता है कि वो जो उनको करना है, नफ़रत फैलाना है, वो नफ़रत का काम वो बदस्तूर जारी रखेंगे, क्योंकि जिस तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है, आज अमरोहा में एक गाय ले जा रहे हैं, एक आदमी को मार दिया गया, लेकिन हमारा काम मोहब्बत फैलाना है, लोगों से मेल जोल के रखना है, हम इस प्रोसेस को करेंगे और इस निश्चित रूप से ये प्रोसेस उनके खिलाफ का प्रोसेस है। तो ऐसे में नफ़रत वाले लोग हमको कितना सह पाते हैं, लेकिन हमको सोसाइटी सहेगी, हमको स्वीकार करेगी, इतना हमें अपेक्षा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, बात ठीक।